वेलकम टू माय चैनल हयात व्लॉग। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से और आसानी से बनती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन के मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस करवाए हैं। सबसे पहले इसे हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर लगभग 1 बड़ा चम्मच, बिरयानी मसाला पाउडर, ये मैंने कैच का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं, और नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच दही, ये शॉप का है, आप चाहे तो होममेड भी यूज़ कर सकती हैं, और 3 से 4 हरी मिर्च, नमक चिकन के हिसाब से, और 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पे फ्राई की थी, उसमें से मैं आधी अभी डालूँगी और आधी चावलों में डालूँगी। इस तरह से प्याज को मसल कर डालना। मसाला अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो प्याज और भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, बहुत अच्छी तरह मिलाएं। देखिए लेग पीस को मैंने कट कर दिया है कि मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसको कवर करके लगभग 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब दूसरी तरफ मैंने पानी चावलों के लिए उबलने रख दिया है। इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी जावित्री, शाहजीरा, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और कबाब चीनी, ये ऑप्शनल है। अब इसमें ऐड करें नींबू, जो जिसका रस मैंने चिकन में यूज़ किया था, और साथ में डालें थोड़ा सा तेल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। अब इसमें ऐड करें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे उबलने के लिए ढक दें। आप चाहें तो इस टाइम इसमें केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। पानी हमारा उबल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए पहले से भिगो कर रखा था। चावल भिगोने से ये बहुत अच्छी तरह कुक होते हैं। इसमें मैंने बासमती राइस यूज़ किया है। चावल अच्छे क्वालिटी के ही यूज़ करें। चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अभी गरम मसाला जो एक्स्ट्रा है इसे निकाल दें ताकि ये खाते वक्त मुँह में ना आए। ये देखिए चावल 70-80% पक चुके हैं। अब इसका पानी मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। अब एक पतीले में तेल गरम करें और उसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें। 2 मिनट के लिए चलाएं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएं। ये देखिए 15 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, गल भी चुका है। आप चाहें तो इसे इस वक्त नान रोटी से भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, भून चुका है। अब करते हैं गैस का फ्लेम स्लो बिल्कुल, और ऐड करते हैं इसमें चावल। ध्यान रखें चावल हमारे 70-80% ही पके होने चाहिए। चावलों को डाल दिए, इसके ऊपर से मैंने फूड कलर डाला है येलो, थोड़ा सा गरम मसाला, ये होममेड वही गरम मसाला है, और हमारी तली हुई प्याज जो बची थी वही। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा मीठा अदरक,
आप चाहें तो केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक कपड़े से इसको ढक के दम करें। कपड़ा ज़्यादा हमारा बड़ा है तो उसे ऊपर की तरफ मोड़ दें ताकि वो गैस की तरफ ना लटके। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी हमारी दम हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा चला लें, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आने के बाद इसे 2 मिनट के लिए और ढक दें और उसके बाद करते हैं इसे डिश आउट।